بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد سورة الكهف كلامنا سورة الإسراء يا يعني سورة بني إسرائيل کے متعلق چند باتیں کی بني إسرائيل سورة بني إسرائيل کی ابتداء سبحان الذي يسرى بعبده ایک بہت بڑے کے ذکر سے کی. اور इस शुरा का इख्तिताम किया अल्हमद लदी लम तख ए एबेगम्बर आप ये लोगों को बताइए कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं तमाम तारीफात उस अल्लाह के लिए हैं है जिस अल्लाह ने कोई बेटा नहीं बनाया वालम फिल मुल्क और ना ही उस अल्लाह की बादशाहत में उसका कोई साजी और शरीक है वालमकुल्हली नजर व तकबीरा और ना ही अल्ला सुबह को किसी की मदद की ज़रूरत है कि अल्लाह तबरक किसी आजज़ी की वजह से या किसी कमज़ोरी की वजह से किसी की मदद की ज़रूरत महसूस करें या अल्लाह को किसी की मदद की हाजत हो ऐसा नहीं है उसका कोई ऐसा मददगार नहीं वो कबीर व तकबीर और उसकी जितनी ज़्यादा हो सकती है और ख़ास किस्म की और कसरत के साथ उसकी बड़ाई बयान करते रहिए ये आखिरी आयत है शोरा बनी इसराइल की जिसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से कहा कि आप अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिए अब शुरह कहाफ है सोरा कहफ की इब्तः कहाँ से हो रही है अलहमदिल्ला किताब यानी पिछली शुरह की आखिरी आयत में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप लोगों को ये बताइए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो यहाँ शुर की इब्तदा ही अल्लाह तबारा की तारीफ़ से हुई शायद पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि कुरान करीम की सात कुरान करीम की पाँच सूरतें ऐसी हैं जिनकी इब्तदा ने तम से की अपनी तारीफ का ता तस्करा करते हुए कि आलमीन सूरत और सूरतलकहफ सूरतल अल्हमदल वजायमात और यह सूरतलकफ तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर सोरा सबा और पाँचवें नंबर पर शोरा फातिर सोरा कफ के मजामी क्या हैं सर कव में सीखने का बहुत कुछ है बड़ा सामान है सीखने का सो वो तो पूरे कुरान में है लेकिन कुरान का कुछ हिस्सा कुछ से अफजल है और कुछ हिस्सा कुछ से ज़्यादा अहम इस से है कि उसमें इसबाक और दरूस हमारे लिए कसरत से पाए जाते हैं इस शुरा में अगर मुख्तरा हम बात करें तो अल्लाह तुरह में चार वाक़ात बयान किए और उन चारों वाक़ में बहुत बड़ा सबक हमें दिया वो चार वाक़ कौन से हैं एक है सहाबलक़ का वाक़ और इसी की मुनासिबत से इस शरा का नाम अलकफ़ रखा गया दूसरे नंबर पर इसमें जो वाक़ बयान किया गया वो दो आदमियों का वाक़ बयान किया गया या वो दो भाई थे सगे भाई थे या वो रिश्तेदार थे या वो दोस्त थे एक के पास दुनियावी साजो सामान वालो दौलत इसकी कमी थी और दूसरे के पास दुनियावी साजो सामान बेहतरीन सूरत में मौजूद था बाग वालों का जिक्र और तीसरा वाक़ शोरा में बयान किया गया मूसा आलिस्तु और उनके साथ ऊषा का और उनका इल्म के केसूल के लिए सफ़र करना और ख़र अलीसम के साथ उनकी मुलाकात और त्लम के कुछ आदाब और कुछ वाक़ और चौथा इसमें वाक़ बयान किया गया जुल्क का उनकी बादशाहत बादशाहत में उनकी मतानत उनका वक़ार और उनकी बादशाहत में वसअत उसकी हिकमत और दनाई और इस बदशाहत को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना ये चार वाक़ात इसमें अल्लाह तबारक ने बयान किए इस शरा के मुतालिक फ़जाइल भी बहुत सारे हैं इस शौरा के मुतालिक एक, एक ऐसी फजीलत और एक ऐसा वाकया है जो किसी और शोरा के मुतल नहीं एक मरतबा एक साहबिनला के रसूल सल्ला व्लम से यह कहािबन सब बुखरी में यह हदीस है अल्लाह के रसूल पिछली रात पिछली रात मैं आ, कुरान की तिलावत कर रहा था तो जैसे जैसे मैं कुरान की तिलावत करता जा रहा था उसी तरह उसी नस्बत से मेरा घोड़ा भितकना शुरू कर देता और कोई नूर सा आसमानों से आ, मेरी तरफ आना शुरू हो जाता और जब मैं रुक जाता तो घोड़ा भी बितकना रुक जाता और वो रोशनी वो भी एक जगह पे रुक जाती तो ने फरमाया ये फरिश्ते थे जो सकीनत लेकर नाजिल हो रहे थे आपकी तिलावत की, की वजह से शौरा कहफ की तिलावत की वजह से अल्लाह तो अल्लाह ताला ने इस शरा को ये ख़ास मुकाम दिया रसूल सल्ला फरमाया बनकर आयातिन जिस बंदे ने दस आयात शरा कहफ की याद कर ली और एक रिवायत में आखिरी दस आयात के मुतक भी आता है वो फ़ोक्तमा बिन बिनफित दजाल व दाल फे से महफूज कर दिया गया कैसे दज्जाल का फितना इस दुनिया में आने वाली फितनों में सबसे बदतरीन फितना है सबसे खतरनाक तरीन फितना है ऐसा कि हर रसूल ने हर नबी ने अपनी कौम को इस फितने से ठहराया है हर नबी हर रसूल इसका मतलब है कि बहुत ही खतरनाक फितना है और इसमें किस तरह से सुबहानला काम आसान कर दिया गया कि जिसने इस आयत की पहली और आखिरी आयत को याद कर लिया तो अल्लाह तबारक ताली उसको इस फितने से महफूज कर लेंगे एक बात याद रखिए कि जिन आयत, जिन सूरतों और जिन दुआओं या जिस अमल की फजीलत बयान की जाती है अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की तरफ से तो वो फजीलत महज उन अल्फाज की क़िरात का नाम नहीं होता बल्कि हर फजीलत वाली चीज़ में किसी बहुत बड़ी चीज़ का सबक हमें सिखाया जा रहा होता है ये पहली दस आयात और आखिरी दस आयात और पूरी सोरा को अगर हम ले लें तो इसमें अकीदे की वो पुख्तगी सिखा दी गई दुनिया और दुनिया के फितरों से मुतक वह रहनुमाई दे दी गई कि दज्जाल जैसा फितना भी ऐसे शख्स पर असर नहीं करेगा के अहकाम को और इसमें पाए जाने वाले असबाक को सीख लें पहली जो इसकी दस आयात हैं उनकी बुनियाद क्या है बुनियाद उनकी ये है कि अल्लाह तबारक ताली ने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई कजी नहीं यानी इसमें कोई इबहम नहीं इसमें कोई बात ऐसी मुश्किल नहीं कि आपके इस ज़मीन पर जो कुछ भी है सारे का सारा वो अल्लाह तबारक इसको जीनत बनाया जमीन पर क्या कुछ है जमीन पर ये लहलहाती खेतियाँ सब्जा जार और बागत आबशारे दरिया समंदर ये सब चीजें ज़मीन की खूबसूरती हैं लेकिन अल्लाह ने इनको क्यों पैदा किया अल्लाह ने फरमाया कि लिना बिलुआ हूँ अयोम ताकि हम लोगों को आजमाएं कि कौन सबसे बेहतरीन अमल करता है तो इस एक आयत में इसका क्या आपस का कनेक्शन क्या है कि अल्लाह सुबहान तला ने कहा आयत नंबर सात है यसरतुल्काफ़ तो की इन्ना ना जाना मैं अल्लाजीन लिना बिलुआ हूँ ज़मीन पर जो कुछ है ये ज़मीन की हमने खूबसूरती के लिए बनाया ताकि तुम्हें आजमाएं ज़मीन की खूबसूरती के लिए ज़मीन को जो हसन लल्ला ने दिया उसका आजमाश से क्या ताल्लुक है इस पर हमेशा गौर वफ़िक में किया करता था कि क्या इसका क्या मतलब हो सकता है और यहाँ तक के शेख साले मोहम्मद बबिन रही की तफसीर पढ़ी सरकाफ़ की सुबहानल्ला करोड़ों रहमतें करे उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही ऐसी कि इस आयत की तफसीर पर दिल कने हो गया उन्होंने कहा कि मतलब यह है कि अल्लाह ने जमीन को जो खूबसूरती दी और फिर साथ ही आजमाइश का जिक्र किया था कि तुम तुम्हें आजमा सकें कि कौन तुम में से सबसे बेहतरीन अमल करता है फरमाया कि इसका मतलब यह है लिखते हैं इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबरकाली तुम्हारी आजमाइश इसमें करना चाहते हैं कि जमीन पर जमीन की पुश्त पर पाई जाने वाली इस खूबसूरती को देखकर तुम इस खूबसूरती में अपना दिल अटका और फंसा लेते हो या कि इस खूबसूरती को देखकर इस खूबसूरती के खालिक को अपने दिल में बसाते हो दिल किससे तुम्हारा लगता है तुम अपने दिल को किसकी की में मशगूल करते हो और दिल को किसके साथ कनेक्ट करते हो इस खूबसूरती के साथ या इस खूबसूरती के खालिक के साथ यह है आजमाइश तो अल्लाह सुन ती दस आयात में वो अब काफ का वाक्य भी शुरू कर दिया अब असहाब काफ के वाक़े में जो सबक हमें मिलते हैं जिसने वो सबक याद कर लिए वो कभी भी किसी भी फितने का शिकार नहीं होगा यहाँ तक कि दर्जाल के फितने का यह गारंटी दे दी गई और इस शुरह की आखिरी दस आयात में क्या है आखिरी दस आयात में अल्लाह तबारक ताली ने कामयाब लोगों का और नाकाम होने वाले लोगों का तस्करा किया और इसके साथ साथ तबारक ताली ने यह भी कह दिया कि अल्लाह तबारक ताली की तारीफ़ क्या है नबी वसम की पोजीशन को भी क्लियर इसमें कर दिया गया अफबिन गफ़रू सिरकर ख़ास तौर पर आखिर तक ये आयात भी बहुत अहम है जो बंदा दुनिया की फितने से बचा, दिया, बचा लिया गया वो बंदा महफूज कर लिया गया जबकि उसका अकीदा भी दुरुस्त हो मनहज भी दुरुस्त हो वो किसी बिदात का शिकार ना हो और आखिरी आयात में खास तौर पर उन लोगों का जिक्र किया गया आयत नंबर एक सौ चार में अल्ला दिन फिलहत दुनिया के जिनकी कोशिशें सारी दुनिया की जिंदगी में गर्क हो गई वो हम यह से बुना नहुं नहुं और वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कौन से लोग हैं इससे पिछली आयत में ने आयारा क्या मैं तुम्हें सबसे आप लोगों को कही क्या लोगों में से जो सबसे ज्यादा खसारे में लोग हैं अमल के अतबार से उनके बारे में खबर ना दू कौन से लोग सबसे ज्यादा खसारे और नुकसान में हैं? वो लोग जो मेहनती हैं बड़े हार्ड वर्किंग है सुबह शाम कोशिश मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसके लिए सिर्फ दुनिया के लिए सारी कोशिशें उनकी दुनिया के लिए गर्क हो गई आखरत के लिए कोई कोशिश नहीं कोई सोच नहीं कोई प्लानिंग नहीं आखिरत की तैयारी के लिए कोई उनके दिल में जस्तजू नहीं ये सबसे बुरे लोग हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान में ये लोग हैं वाह के फ़रब आयात रबीम इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह की आयात पर कुफर कर बैठते हैं तो ये इस सूरा का एक मामूली सा खुलासा है कि इस शुरा में बयान क्या हुआ और ये भी है कि शोरा के रुजुल का और इसमें जो बयान किए गए वाक़ात हैं आप सर से सवाल किया गया था लेकिन आइए असल कुछ और बड़ी अहम जो बातें हैं उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ इसमें जो चार वाक़ बयान किए गए वो वाक़ अपनी जगह पर बहुत से दुरुस्त अपने अंदर लिए हुए हैं लेकिन उन इन तमाम वाक़ात के बाद अल्लाह तबारक ताल ने जो तज् किया अल्लाह तबारक ताली ने इन वाक़ात को बयान करने के बाद हमें जो सिखाया वो बहुत ही आला और बहुत काबिल और उसको दिल में बिठाने और उसको जिंदगी का हिस्सा बनाने के लायक वो अल्लाह तबारक तला का तजिया है हर वाक्य के बाद देखिए चार वाक्यात हैं जो अब कहाफ का वाक़ है उसमें बुनियादी सबक ये मिलता है एक सबक बुनियादी ये मिलता है कि अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म कर दो छोड़ दो अल्लाह के लिए अगर तुम्हें कोई कुर्बानी देना पड़ती है अपने घर को अपनी जिंदगी या आसाइशों को छोड़ना पड़ता है जहाँ दीन को कंप्रोमाइज किया जा रहा हो तो वो सहबत वो कंपनी और वो गैदरिंग छोड़ दो बेशक वो अपने अपने लोगों की गैदरिंग हो बेशक वो बड़ी ही नाजो नमत वाली गैदरिंग हो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गैदरिंग हो इन नौजवानों ने अपने बेहतरीन घरों को अपनी आसाइश की जिंदगी को सहूलत की जिंदगी को छोड़ा कब जबकि दीन के मामले में आ, ये लोग आ, थोड़े से कॉन्शियस हुए और एहसास हुए कि कहीं हमारा दीन हमारा अकीदा ही खराब ना कर दिया जाए कि लोग हमें कहीं मजबूर ना करें जबकि ये उस अकीदे से तोबा कर चुके थे जो अकीदा उन लोगों का था जिस कौम में ये लोग मौजूद थे इसे अल्लाह तबारक ने नंबर दस में इद अवलफित जब इन नौजवानों ने ग़ार की तरफ बना ली क्या कहा रब बना तिल का अल्लाह अपनी अपनी, अपनी जनाब से हमें रहमत अदा कीजिए और हमें रहनुमाई दीजिए हमारे मामले में तो ये लोग कौन से थे इनफित रब भी मस्जिद नाम आयत नंबर तेरह फरमायाल्ल फर्मा, ते कि ये चंद नौजवान थे और अपने रब पर ईमान लाए थे हमने इनको हिदायत में और ज़्यादा कर दिया वालूब हम और हमने इनके दिलों को मज़बूत कर दिया इजकाम हो जबकि वो उठे फ़काल हो और ये कहा ये उनकी दावत थी ये उनका अकीदा था रब न अर्द कि हमारा रब आसमान और ज़मीन का रब है लन हैदून ही हम उसके इलावा पूरी कौम की बुत परस्ती की मुखालफत में ये नौजवान उठ खड़े हुए फिर उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की दुनिया को कुर्बान किया और उसके बाद फिर जब उनका पता चल गया लोगों को कि यह अल्लाह इतने सौ साल तक ये मुजदा बनाया और पूरा वाक्य बयान करने की बायात दी अल्लाह ताला ने इसके बाद क्या हिदायत दी ये इसमें अहम बात है ये वाक खत्म होता है आयत नंबर बाईस पर

सिर्फ इसके अल्फाज नहीं बल्कि इसका हुक्म याद कर लेना चाहिए अल्लाह ने अपने रसूल से कहा वस्बिर वसबिर नफ सक मादी वाल आशीष देखें सुबह शाम आप अपने आप को उन लोगों में रोक कर रखिए अपने आप को उन लोगों में ठहराए रखिए आप उन लोगों के साथ मुस्तकिल तौर पर रहिए जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और अपने रब के चेहरे का दीदार चाहते हैं या अपने रब की रजा चाहते हैं कि किस को हुक्म दिया जा रहा है नबी को यहाँ अल्लाह तहबाब काफ के वाक्य के बाद ये इसलिए कहा कि तुम्हारी गैदरिंग तुम्हारी कंपनी तुम्हारी दोस्ती बहुत मैटर करती है यही तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है और यही तुम्हें अखलाक आदाब इल्म अमल की बुलंदियों पर भी पहुंचा सकती है और इस पर कुरान करीम का मुस्तकिल पोर्शन है पूरा जो इसको डिफाइन करता है बयान करता है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए जैसे सूरह अल सूरह तौबा तो में आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने منافقین की दोस्तियां बयान की और 71 में मोमिनों के बारे में कहा कि वो कैसे दोस्त हैं वल मुमिनून वल मिनातु बादुम औलियाउ बादु, बादु यामुरून या बिलमर्ूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना सला व युतूनुस zakat वलाकि सयरहमुहुम तो ये पांच उनकी सिफात बयान की लतालक तो अल्लाह ताला ने इसमें अपने रसूल से कहा हालांकि रसूल वसल्लम को तो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है अल्लाह रहनुमुमाई करते हैं अल्लाह रसूल वसल्लम के दिल को मजबूत करते हैं लेकिन इसके बावजूद रसूल करीम सल वसल्लम से भी कहा वसम नफसक ए पैगम्बर आप भी अपने आप को उन लोगों में रोक कर रखें यानी उन लोगों की दोस्ती पर डट जाए उन लोगों की मजलिस को इख्तियार करें जो लोग सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं अपने रब के दीदार की खातिर और अल्लाह की रज़ा के लिए ये इन नौजवानों का भी क्या किस्सा था एक नौजवान उठा और तोहिद का ऐलान किया कबूल किया तौहीद को ऐलान किया दूसरा उठा उसने भी ऐसा किया तीसरा उठा उसने भी ऐसे ही किया यहाँ तक कि ये सारे दोस्त आपस में जमा हो गए बुनियाद क्या थी अल्लाह की तौहीद, दीन और इस तरह आपस में एक दूसरे के दिल की मजबूती का बायस बने वो जिस आदमी ने सौ कत्ल किए थे सौ कत्ल करने के बाद उसको जो आलम दीन थे उन्होंने क्या रहनमई की थी कि आपकी तोबा कबूल हो सकती है क्यों कबूल नहीं होगी लेकिन आप ऐसा करें कि अपनी इस महफिल मजलिस दोस्ती और इस इलाके को छोड़ें तो ये बहुत अहम है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं कभी कभी हम शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारे दिल में ईमान का नूर नहीं हमारे आ, अमल में अमल की वो लज्जत नहीं उसका एक सबब हमारी दोस्ती भी होती है हम किन को पसंद करते हैं किन को फॉलो करते हैं अपने व्हाट्सएप में किन के साथ रबते में हैं अपने फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया पर हम किन को देखते हैं कौन हमारे हीरोज़ हैं ये चीज़ बड़ा मैटर करती है तो अल्लाह ने अपने रसूल से कहा कि आप इनके साथ अपने आप को रोके रखिये वलतः आदिना का आन हो और आप अपनी आंखों को इनसे इनसे तजावुज़ नहीं करनी चाहिए आपकी आंखें यानी और किसी तरफ देखें ही ना इन्हीं के साथ अपने आप को जमा लीजिए इसमें बयान ये पहला वाक्य इसमें बयान हुई क्या कि दोस्ती अच्छी हो दूसरा जो वाक्य है जो आयत नंबर बत्तीस से शुरू होता है वह दो आदमियों का वाक्य बयान कीजिए जिनमें से एक को हमने बाग दिया और उस बाग की खूबसूरती और उसमें नहरें और उसमे उसका बेहतरीन होना अल्लाह ने सब बयान किया लेकिन ये जो दूसरा वाक्य इसमें इस आदमी को जिसको दुनिया दी गई ये घुमंड घुमंडी बन गया तकबर करना शुरू कर दिया आखरत के बारे में इसको खुशबहत का शिकार हो गया कहा आखरत में भी अगर आखरत हुई भी तो अल्लाह मुझे इससे भी ज़्यादा देंगे और अपने माल और दौलत को और इसमें कोई शक नहीं था कि इसके बागात की लोकेशन बहुत आला थी कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये बागत बंजर होंगे या तबाह होंगे लेकिन अल्लाह की तरफ से मामला है तबाह होकर रह गए और वो जो बंदा जिसके पास कुछ नहीं था उसने इसको क्या नसीहत की आ, कि तुम जो आखरत के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो और ये जो तकबर कर रहे हो तो ये ना करो और खुद उस आदमी ने क्या कहा वलौला दखलता जन्नत का माशा अल्लाह आप अपने बाग में दाखिल होते हुए आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह ने चाह ये मेरा कमाल नहीं है कि मेरे बागत बहुत अच्छा फल दे रहे हैं उसमें नहरें भी हैं और बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन किस्म के फ्रूट हैं और सब चीज़ें तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा और कहा फायसा और खैर जन्नतिक जिस बंदे को माल मिलता है वो अक्सर भूल जाता है कि मेरे गरीब होने के भी से हैं अक्सर भूल जाता है तो उसने कहा और, और तुम्हारा बाग तबाह मुमकिन है नसीहत की और फिर ऐसा ही हुआ कि उस आदमी का बाग तबाह कर दिया गया और वह हाथों को मलता रह गया और फिर वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसकी मदद करता यहाँ अल्लाह तबरक ने फिर क्या किया इस वाक्य के बयान के फौरन बाद फरमाया वह हयात दुनिया लोगों को दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान कीजिए पैगम्बर पानी की तरह आसमानों से नाजिल हुआ ज़मीन की नबादात में गुल मिल गया और उसके बाद फिर उसका अंजाम क्या हुआ फ़सब हशीमन तदरिया के एक वक्त के बाद वह जो पानी की वजह से खेती में से मिलने के बाद बहुत लहलाती खेती पैदा हुई थी एक वक्त के बाद वह सारी ख़त्म हो गई हवा ने उसके जरात तक को उड़ा लिया और ये अल्लाह तबरक तआला हर चीज़ पर अल्लाह तआला की कुदरत हावी है फिर कहा अलमाल माल और बेटे सब दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती है अगर इनको दीन के साथ कनेक्ट ना किया इस दूसरे वाक्य में क्या चीज़ हमें सबक दिया गया सबक यह दिया गया कि दुनिया की मोहब्बत अपने ऊपर तारी ना करो ऐसी तारी करना कि घुमंडी बन जाओ और ऐसी तारी करना कि दुनिया पर बड़ा भरोसा करने लगो कि अब तो मेरे पास मरा बड़ा मालो दौलत है नसरे बैठ कर खाएंगे मुझे कोई फिक्र नहीं है दुनिया से अपने आप को बचा लो पहली पहले वाक्य के बाद दर्स क्या था अच्छी दोस्ती इख्तियार करो और अच्छी दोस्ती को कभी ना छोड़ो दूसरे वाक्य में क्या था कि अगर अल्लाह माल दे आजजी इख्तियार करो अल्लाह की तरफ उसको मनसूब करो और कभी भी गुमन ना करो और आखरत को याद रखो तीसरा वाक्य जो मुसल और उनका है उसमें क्या सबक है उसमें सबक यह है कि अगर ये दोनों चीजें हासिल करना चाहते हो अच्छी दोस्ती अगर हासिल करना चाहते हो और दुनिया के फितने से अगर निकलना चाहते हो और दुनिया आ, तुम पर हावी ना हो अगर ये करना चाहते हो तो फिर मूसा की तरह इल्म की जस्तजु में निकल खड़े हो और अदब आदाब और एहतराम और तमाम बेहतरीन प्रोटोकॉल्स के साथ दीन का इल्म हासिल करो एक नबी दीन का इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह के इजन और हुक्म पर इल्म हासिल करने के लिए निकले और क्या जज्बा है कि मैं इल्म हासिल करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा सारी उम्र मुझे चलता रहना अगर पड़े और कई सालों तक मुझे चलता रहना पड़े मैं चलता रहूंगा यहां तक के इल्म के हसूल के लिए उस बंदे के पास पहुंचूंगा जिससे मुझे इल्म मिलने वाला है यह उसमें वाक्य है बस इशारा हम कर देते हैं और चौथे में क्या चीज है चौथे वाक्य में क्या चीज है चौथे में ये है कि जब तुम्हें ये इल्म के बाद ये ईमान मिल जाए और माल मिल जाए तो फिर उस माल में तसरुफ कैसा करना है जैसे न ने किया अगर तुम्हें मिलता है अगर तुम्हें मालो इसबाब मिलते हैं सुलता मिलता है तो फिर उसमें कैसा तुम तसरुफ करोगे नैन जैसा सुबहान देखिए कैसी तरतीब है अच्छी दोस्ती उसके बाद दुनिया के फितनेस से महफूज अपने आप को कर लेना तीसरे नंबर पर इल के हसूल के लिए जस्तुजु है लग जाओ उम्रें गुजार दो और उसके बाद फिर जैसी भी तुम्हारी हालत हो वो तुम अगर तुम्हें अल्लाह तबारक ताली मालो असबाब दे या ना दे दोनों सूरतों में अपनी जिंदगी अपनी सलाहियतों और अपने मालो असबाब को अल्लाह के लिए खपा दो कामयाबी ही कामयाबी ये सूरह है बड़ी खास सूरह है अल्लाह तबारक ताली हमें तौफीक दें कि हम इसके असबाब को सीखें और अल्लाह तबारक ताली हमें तौफीक दें कि हम वाकई ही ऐसे बन जाए जैसे अल्लाह हमें बनाना चाहते हैं हम हर जुमे पढ़ते हैं इस तरह इस अंदाज में उसको पढ़कर देखिए तो बहुत मुख्तर सी बात की है इस अंदाज से बा, रख के पढ़िए तो फिर आपको वो हदीस उसकी सदाकत मालूम होगी कि जिस बंदे ने सो पढ़ी जुमे के दिन उसके लिए अगले जुमे तक के लिए नूर होगा और उससे कुछ दिन इजाफी भी नूर उसको मिलेगा कौन सा नूर नूर हिदायत ये इन वाकत से मिलने वाला असबाक दुरूस और नूर जो आपके दिल को ईमान के नूर से भी भर देगा ईमान मजबूत होगा अकीदा मजबूत होगा अखलाक मजबूत होगा किरदार मजबूत होगा इज्जत नफ्स बढ़ेगी इसलिए कि जो बंदा दुनिया का तालिब नहीं होता दुनिया की लालच नहीं रखता वो बंदा इज्जत न...